फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक आपका तैयार करेंगे, द राइस ग्रास ऊपर इंसेक्ट पेस्ट आपका हाइरोग्लाइफस बेनियन, इसका जो है जोलॉजिकल नेम है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, फैमिली एक्रिडिडाई है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये वाइडली आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका इंडिया के अंदर, जहाँ पर आपका पैडी यानी कि राइस आपका ग्रो होता है, बिहार यूपी के अंदर। फूड प्लांट की बात है, मेनली जिसका फूड प्लांट है वो आपका राइस होता है। अल्टरनेट जो होस्ट है वो आपका ज्वार, बाजरा, शुगर केन है। जनरल अपीयरेंस की बात है, ग्रीनिश येलो कलर का आपका शो ऑफ होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है। हैबिट्स की बात है, एडल्ट ऊपर जो है आपका अपीयर, जैसे रेन होती है उसके तुरंत बाद जो आपके अपीयर हो जाते हैं। इन ये जो है आपका सिंगल ब्रूड आपका शो करते हैं, सिंगल जनरेशन होती है 1 ईयर में। मेल जो है आपका वो डाई कर जाता है आफ्टर कॉपुलेशन, और फीमेल जो है आपका डाई कर जाती है आफ्टर ओविपोजिशन। ये बड़ी ही इसमें खासियत है, एक अलग आपका करेक्टर। लाइफ साइकिल की बात करते हैं, आपकी जो लाइफ साइकिल है उसमें जैसे कि पहले बताया आपका सिंगल जनरेशन आपकी आती है 1 ईयर में, और ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं आपका जून से लेकर आपका अक्टूबर तक। फर्स्ट जो है आपका स्टेज आपकी एग्स है, एग्स जो आपके लेड आउट होते हैं फील्ड, जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो आपका फील्ड जो होते हैं, मिट्टी जो होती है उसके आसपास जो भूसा बचा होता है उसके अंदर आपके जो है ये एग्स आपके ले आउट कर देते हैं। 30 to 40 एग्स आपके एक ग्रुप में। एग्स जो आपके हैच आउट होते हैं आपके जून से जुलाई के अंदर, और उस समय तक जो है आपके ये आपके डोरमेंट आपके रहते हैं, डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। सेकेंड स्टेज आपकी निम्फ की है, निम्फ जो आपके इमर्ज आउट होते हैं एग से, और ये ग्रीन कलर के होते हैं निम्फ आपके, बहुत ही वोराकैशियस आपके फीडर होते हैं, बहुत फास्ट आपके फीडर होते हैं। निम्फ जो आपका 5 to 6 मोल्टिंग आपका शो ऑफ करता है, तब वो आपका एडल्ट में चेंज होता है। एडल्ट की बात आती है, जो निम्फ है आपका वो अपने विंग्स एक्वायर कर लेते हैं और एडल्ट के अंदर आपके चेंज हो जाते हैं। एडल्ट जो आपका जैसे ही एडल्ट उसका कंप्लीट होता है वो आपका मेटिंग शुरू कर देता है। नेक्स्ट आपका डैमेज की बात आती है, जो डैमेज है आपका मेनली वो आपका वही एडल्ट और निम्फ के द्वारा किया जाता है। दोनों ही जो आपका फीड करते हैं लीव्स पे, शूट्स पे, और ज़्यादा अगर आपका इन्फेस्टेशन होता है तो 50% तक जो है आपकी फसल को ख़राब कर सकते हैं। कंट्रोल की बात आती है, इंसेक्ट को जो है मैन्युअली कलेक्ट करके हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अफेक्टेड जो फील्ड है उसे हमें आपका डीपली आपका हार्वेस्टिंग के बाद जो है 10 से 15 सेंटीमीटर तक डीप आपका जो है प्लो करना चाहिए, ताकि इंसेक्ट बाहर आ जाए और सनलाइट से या फिर आपका जो है जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो उन्हें खा जाए। डाइएल्ड्रिन, एल्ड्रिन और आपका मिथाइल पैराथीन, ये हम आपका स्प्रे कर सकते हैं, और साथ में आपका BHC भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था उसका टॉपिक। थैंक्स।